टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई एग्जामिनेशन रिजल्ट 2024 को लेकर ये अपडेट एंड ये वीडियो आप सबके लिए यहाँ पे हमने प्रिपेयर की है, जिसमें आप सभी के लगभग एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाले हैं। 9 सितंबर या कुछ जगहों पे 12 सितंबर तक सभी के एग्जामिनेशन हो जाएंगे। सीबीटी एग्जाम जो आप सभी के इस समय चल रहे हैं 2024 के, 2022 से 24 और 23-24 सेशन के। अब अगर यहाँ पर बात करें रिजल्ट आपका कब आएगा, रिजल्ट में आपके किस किस पोर्शन के कितने कितने नंबर होंगे, उसमें पासिंग मार्क कितना होगा आपका, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे सीबीटी एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। इसी के बारे में वीडियो होने वाला है। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड अगर आपके एग्जामिनेशन अभी नहीं हुए हैं तो एग्जामिनेशन की जो प्लेलिस्ट है स्पेशली ईडी की, जीरो टू हीरो सीरीज, डब्ल्यूसीएस की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उन सबको आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट से आप बाकी थ्योरी की भी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो सके। यहाँ पे हम आपको जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट होता है, जो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट है, उनको भी दिखाएंगे कि कितने सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितना पासिंग मार्क होता है, कितना नंबर मिनिमम पाना होता है और कितना तक मैक्सिमम कैंडिडेट्स पा चुके हैं, ये सब चीज़ें भी आपको इसी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आईटीआई एग्ज़ाम की, तो आईटीआई एग्ज़ाम में आपके सेगमेंट क्या क्या रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसे हम सेशनल कहते हैं। ये 100 नंबर का एक, मतलब फर्स्ट 6 मंथ यानी छमाही का, और 100 नंबर अगली छमाही का, यानी एक साल में टोटल आपका 200 नंबर का सेशनल मार्क्स यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट रहता है, जो कि आपके आईटीआई के थ्रू पोर्टल पे भरा जाता है। आपके जो भी टीचर्स होते हैं, आपके क्लास के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे, आपके डिसिप्लिन के बेसिस पे, आपके बाकी जो काम होते हैं सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को लेके, जो टेस्ट हुए रहते हैं, उनके बेसिस पे नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये 200 नंबर का होता है। फिर आपका एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपके 12 अगस्त से हुए थे। ये होता है आपका 250 नंबर का, जिसमें आप कॉपी लिखते हैं, जॉब बनाते हैं एंड वाइवा होता है। ये टोटल होता है आपका 250 नंबर का। इसके बाद आपका होता है सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम। ये टोटल होते हैं इसमें 75 क्वेश्चन, आप चाहे जिस ग्रुप से हों, चाहे इंजीनियरिंग ग्रुप से हों, चाहे नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप से हों, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कुल होते हैं 150 मार्क्स। अब अगर इनको अगर आप जोड़ेंगे 200, 250 और 150, तो कुल यहाँ पे टोटल मार्क्स बन के आते हैं 600। यानी आईटीआई अगर आप 1 ईयर के ट्रेड में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, जिस भी साल हैं, तो आईटीआई का एक साल में आपका टोटल 600 नंबर का पूर्णांक रहता है, यानी 600 नंबर में आपको टोटल नंबर पाने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसका यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो इसमें देखिए, सीबीटी में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है इंजीनियरिंग ग्रुप, दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप, ठीक है। पासिंग मार्क क्या है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इंजीनियरिंग ग्रुप जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये हैं, इनमें WCS और ED सब्जेक्ट रहता है। नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप ऐसे हैं जैसे कोपा, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, स्टेनोग्राफर, ठीक है। इन सब में क्या है कि WCS एंड ED नहीं रहता है। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिसमें आपका ED नहीं रहता है, WCS रहता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिसमें WCS नहीं रहता है, ED रहता है। केस कोई भी हो, क्वेश्चन आपके 75 ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 रहता है, ट्रेड थ्योरी 50 हो जाता है। जब ये दोनों सब्जेक्ट रहते हैं तो ये 38 होता है, ठीक है। ये 38 क्वेश्चन होते हैं, ये 6 होता है, ये 6 होता है। अगर एक पोर्शन कोई नहीं रहता है तो ये 38 यहाँ, ये 44 हो जाता है और ये 6 ही रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा पैटर्न जो आप अभी एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में मिनिमम आपको 60% लाना होता है पास होने के लिए। यहाँ पे भी आपको 60% यानी मिनिमम 150 नंबर पाना होता है पास होने के लिए। इसमें आपको 120 नंबर पाना होता है पास होने के लिए। सीबीटी एग्जामिनेशन में 2 सेगमेंट हैं। ट्रेड थ्योरी वाले पोर्शन में आपको अलग से पास होना होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना होता है। ये कैसे रहेगा एंड आपका रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, अब इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब यहाँ रिजल्ट आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। आप सभी के जो रिजल्ट हैं, 17 सितंबर को चूंकि कन्वोकेशन होता है, उसके पहले पहले आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन अगर यहीं पे हम कर लें, इसको हटा लेते हैं एक बार। आपका जो रिजल्ट प्रिपेयर होता है, जैसे आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के नंबर थे, सेशनल के नंबर थे, ये ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के नंबर, जैसे आपके प्रैक्टिकल हुए 2 दिन के अंदर, इनको भी पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है, NCVT और SCVT जो आपका स्किल इंडिया डिजिटल है उस पर भी, ठीक है। क्योंकि जो रिजल्ट आपका जारी करेगा वो कौन करेगा, NCVT करेगा। सेशनल आपके कहाँ अपडेट होते हैं, SCVT स्टेट वाले पोर्टल पे होते हैं। प्रैक्टिकल उस पर एंड NCVT यानी जो आपका स्किल इंडिया डिजिटल है, दोनों पे अपलोड हो चुके हैं। CBT के आपके ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, इसका पूरा डेटाबेस ऑनलाइन रहेगा। ये ऑटोमेटिकली जैसे एग्जाम आपके होते जा रहे हैं, ये पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा।
यानी जैसे आपके 12 तारीख को एग्जामिनेशन ख़त्म होंगे, ठीक है, उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट प्रोसेस करके वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, जिस पे आप लोग आसानी से चेक कर पाएंगे। इस बार जो वेबसाइट होगी वो होगी स्किल इंडिया डिजिटल, वहीं पे आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, वहीं से अपना रिजल्ट देख पाएंगे, बाकी आप लोगों को मेल के माध्यम से भी रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं पासिंग मार्क की। एंड देखिए, पिछले साल का हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पे, ये ITI के 2023 के एग्जामिनेशन है, जिसमें कैंडिडेट्स ने देखिए पढ़ाई करके चैनल से ही कितना अच्छा नंबर स्कोर किया, आप देख सकते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल में आपका 250 नंबर का होता है, कुल आपको 150 पासिंग मार्क होता है, यहाँ पे इन्हें 236 नंबर मिला हुआ है। ट्रेड थ्योरी में इन्होंने 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है, 100 नंबर का होता है ट्रेड थ्योरी, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि ट्रेड थ्योरी प्लस आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस WCS जो मैथ वाला पोर्शन है, वो मिला के आपका 50 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क 33 होता है। यहाँ पे इन्होंने 100 में 100 नंबर स्कोर किए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखिए 50 नंबर का रहता पेपर, मिनिमम पासिंग मार्क 17 है, यहाँ पे इन्होंने 50 में पूरे 50 नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में 200 नंबर में 120 पासिंग मार्क होता है, 186 मिले, कुल इनके 600 में 572 नंबर बने हैं यहाँ पे। अगर इन्हें यहाँ पे और यहाँ पे भी अच्छा नंबर मिला होता तो इनके और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो सकते थे, इस तरह से आप लोगों के भी मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। अब बात करें पास होने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो देखिए जो ट्रेड थ्योरी वाला पोर्शन है इसमें कुल क्वेश्चन आपके हैं 50। अब यहाँ हम ये बात नहीं करेंगे कि WCS के कौन से हैं, ED के कौन से हैं, कुल क्वेश्चन है 50। मिनिमम आपको जो सही करना है वो सही करना है 17 क्वेश्चन। जैसे आप 17 क्वेश्चन सही करेंगे आपके 34 नंबर हो जाएंगे, आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। ये है पासिंग मार्क, जिस पे आपको फोकस नहीं करना, आपको अच्छे नंबर लाने पे फोकस करना है। इन 17 में अगर आपने मैथ और जो मैथ वाला पोर्शन है और ड्राइंग वाला अगर वो अच्छे से आपने देखा तो 12 क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं, उन 12 को आप आसानी से सही कर देंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको 38 में से ट्रेड थ्योरी में सही करना है, आप ITI का एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। अब बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसमें कुल हैं 25 क्वेश्चन, 25 में आपको नंबर कितना लाना है 17, उसके लिए आपको मिनिमम जो 9 क्वेश्चन सही करने हैं। 25 में अगर आप 9 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 18 नंबर आ जाएंगे और आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास हो जाएंगे। 50 में मिनिमम आपको 17 लाना है, लेकिन 18 आप ला पाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ग्रेस मार्क की फैसिलिटी पहले थी, बट इस बार बहुत कम चांसेस हैं ग्रेस मार्क रहेगा, शुरुआत में दिया था DGT ने, बट अब यहाँ पे आप ग्रेस मार्क की उम्मीद मत करिएगा। यानी सिंपल है, आपको ट्रेड थ्योरी में 17 क्वेश्चन सही करने हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं तो आप पास हो जाएंगे। बाकी ट्रेड प्रैक्टिकल और सेशनल आपके ITI से आपके कॉलेज से मिलता है, तो इसमें जनरली कैंडिडेट्स अच्छा नंबर पाए रहते हैं, 80% से ऊपर सभी के नंबर रहते हैं। और बात करें ITI के रिजल्ट की, अगर आपका ITI का रिजल्ट 80% या उससे एबव बनता है तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा ये, ठीक है। तो ये है पूरा यहाँ पे प्रोसेस। अब आप समझ चुके होंगे कि आपके रिजल्ट में ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये 4 चीज़ें आपके ट्रेड जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसके रिजल्ट में शो होने वाली हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं तब भी यही शो होगा, नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं तब भी यही शो होगा। पूर्णांक सभी के, मैक्सिमम मार्क्स सभी के 600 रहने वाले हैं, पासिंग मार्क भी सभी का सेम रहने वाला है, ठीक है। बस ये मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा। अभी इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, हम जरूर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। बाकी जो 0 to Hero सीरीज है ED की, WCS की, उसे आप लोग जरूर देख के जाइए, जिससे आप आसानी से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। कई सारी नौकरी ऐसी आती है जिसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो मेरिट बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट होता है। तो जब मेरिट बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा, अगर आपकी ITI में मेरिट ही कम रहेगी तो हो सकता है आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे, तो आप अपना हुनर रिटन एग्जाम में या स्किल टेस्ट में कैसे दिखाएंगे। सेम केस रेलवे अप्रेंटिस करने जाते हैं आप, तो उसमें भी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, मेरिट नहीं आएगी तो कैसे सिलेक्ट होंगे आप। तो हम ये नहीं कहते कि नंबर ITI में नंबर लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर अगर आप स्कोर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरी एक चीज़ हम और आपसे कहेंगे, आपके रिजल्ट्स 12 या 13 के बाद आ जाएंगे। आने वाली कई सारी वैकेंसीज़ अभी लाइन में लगी हुई हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहेगी। इसरो की, DRDO की वैकेंसीज आपके दिसंबर तक आ जाएंगी। BARC में वैकेंसी आएगी, तो इन सब की तैयारी में भी आप लोग लग जाइए। और ITI में आपके नंबर कम आए या ज़्यादा आए, ज़्यादा आए तो आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि आपको बहुत ज़्यादा आने लगा है, एंड कम आए तो आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपको और मेहनत करनी है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नंबर्स जो भी आए आपको उसे पॉजिटिवली लेना है एंड उस पर मेहनत करना है। कम आए तो भी मेहनत करनी है, ज़्यादा आए तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है उसको सार्थक करने के लिए, ठीक है। ये हमारी आप सबको एक सलाह होगी, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आगे आप लोग लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे।
बाकी जैसा कुछ और अपडेट आता है रिजल्ट का, हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर लाएंगे। 17 सितंबर से पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे, आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आ जाएंगी, इतना आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि DGT ने ये डेडलाइन ही फिक्स कर दी कि 17 सितंबर को हमें कन्वोकेशन करना है। तो हर हाल में रिजल्ट्स आ जाएंगे, बाकी उसके बाद किन्हीं का नाम में करेक्शन हो, कुछ चीज़ें हो, तो उसकी जो प्रक्रिया चलेगी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस रहेंगी आप सभी को, जिससे कि आप आगे अपने फ्यूचर में खूब अच्छा कर सकें, खूब बेहतर कर सकें, खूब तरक्की करें एंड अपना और अपने परिवार का एंड इवन हम सभी का आप नाम ऊंचा करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा एंड टेक स्टडी IT टेलीग्राम चैनल की एक फैमिली है, वहाँ भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।